global advertisers, scaling new heights in outdoor media. अभिषेक करती थी, दूध दही घी शक्कर सहज चढ़ाती, बिल्व पत्र समी पत्र अबीर गुलाल भस्म इत्यादि चढ़ा करके महादेव की आरती स्तुति स्तवन का गायन करती और सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती हुई। तो सच्चा प्रेम है तो प्रति क्षण बढ़ता है, बढ़ती गई सती का प्रेम शिव के प्रति बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया, आश्विन मास की अष्टमी तिथि, आश्विन मास कहते हैं कबार के महीने। सुदामा देवी कन्हैया लाल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर पूज्य प्राचीन देवी के द्वारा गाए हुए भजनों पर भक्ति में लीन होकर छोटे हुए या बड़े हर कोई झूमता हुआ पंडाल में नजर आया। पूज्य प्राचीन देवी ने तृतीय दिवस पर सती की तपस्या के बारे में बताया कि किस तरह माँ पार्वती पुनः अपने पति से मिलने के लिए तपस्या की। आज श्रीमद् भागवत जी का तृतीय दिवस था और इसमें भगवान शिव पार्वती का विवाह एवं ध्रुव जी की भक्ति के बारे में। हर चीज का एक समय निश्चित है, भागवत तो अनंत है, कभी संपन्न नहीं हो सकती, पर लोगों के पास भी एक हफ्ते का समय अच्छे से मिल जाता है, इसलिए इसको सप्ताह भी कहते हैं, सप्ताह ज्ञानी।